लेम्बोर्गिनी ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम स्पोर्ट्स कार को लॉन्च कर दिया है और इसका नाम है हुरकान टेक्निका। इसकी कीमत 4.04 करोड़ रुपीज़ है। ऐसे में सवाल यह है कि इस कार में क्या खास है और कंपनी इसको लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है, तो इन सारे सवालों के जवाब हम लेम्बोर्गिनी इंडिया के हेड शरद अग्रवाल से खुद पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स में। पहली बात जो हम ये बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को वो ये कि ये हुरकान फैमिली की सबसे महंगी रिवाइज कार है जिसमें काफ़ी अपडेट किए गए हैं, तो क्या नया है इसमें, आप आसान भाषा में अगर हमारे व्यूअर्स को समझा सके तो। सो जो हुरकान टेक्निका है ये एक बड़ा यूनिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है और इसके अंदर में जो एक रियर व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन है जो हमने हुरकान STO से इसके अंदर में अडॉप्ट किया है और इसके अलावा में इसके अंदर पावरफुल V10 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है और इस गाड़ी के अंदर में हमने 3 सोल्स को कंबाइन करा है। जैसे कि हुरकान ईवो में हम लोगों ने वो गाड़ी बनाया था एवरीडे ड्राइविंग यूज़ के लिए, कंफर्टेबल ड्राइव के लिए, सो वो ये वहाँ से अडॉप्ट करता है। हुरकान STO में हमने बेस्ट ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स अपने कस्टमर्स को लेकर के आए थे, तो वो क्वालिटीज़ ये हुरकान STO से अडॉप्ट करता है। और इसके अलावा हुरकान रियर व्हील ड्राइव एक फन टू ड्राइव कार है क्योंकि रियर व्हील ट्रांसमिशन है उस गाड़ी के अंदर में। सो इन तीनों सोल्स को कंबाइन करके हमने एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट अपने क्लाइंट्स के लिए इंडिया में पेश करा है हुरकान टेक्निका के रूप में। और इस गाड़ी के अंदर में हमने काफ़ी लाइट वेट सोल्यूशंस भी लगाए हैं जिससे गाड़ी का वेट टू पावर रेशियो हमने इम्प्रूव करा है। इसकी गाड़ी के अंदर में हमने जो हुरकान फैमिली है हुरकान रेंज में अब तक का सबसे ज़्यादा डिज़ाइन अपडेट हमने इसमें करा है। जैसा कि फ्रंट में इसके अंदर में आप देख सकते हैं हमारे इस गाड़ी के अंदर में वाई शेप एयर इंडक्ट्स हैं, उसके अलावा पीछे में एक रियर विंग है जो गाड़ी का डायनेमिक कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज करता है, हेक्सागनल टेल पाइप्स हैं और जो फ्रंट है इसके अंदर में हमने जो भी मॉडिफिकेशंस करे हैं वो इस नज़रिए से करें कि गाड़ी की जो विड्थ है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज कर पाएँ। सो इसका जो V10 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये 640 हॉर्स पावर प्रोवाइड करता है और ये गाड़ी एक्सेलरेट करती है 0 से 100 इन 3.2 सेकेंड्स। लेम्बोर्गिनी के लिए पिछला कुछ समय काफ़ी अच्छा रहा है सेल्स के मामले में कि जो आपने रिकॉर्ड ब्रेक सेल्स की है, ऐसे में क्या लगता है कि आफ्टर कोविड भारत में जिस तरीके से ये प्रीमियम कार्स का कल्चर धीमे धीमे और भी बेहतर हो रहा है पहले से, तो आपको क्या लगता है इसके रिस्पांस को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? सो जैसा मैंने बताया कि हुरकान टेक्निका एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और हमें ये भरोसा है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट एक बहुत वाइडर ऑडियंस को अपील करेगा। हमने अप्रैल में ये गाड़ी को ग्लोबली लॉन्च किया था और हमको ऑलरेडी बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पांस इंडियन मार्केट से इस गाड़ी के लिए मिल रहा था, तो हमारे पास बहुत अच्छा ऑर्डर बैंक ऑलरेडी है हुरकान टेक्निका के लिए। आज हमने गाड़ी को भारतीय बाज़ार में पेश करा है, हम लोग अगले कुछ दिनों में अपने क्लाइंट्स को इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे और उनको इसका प्रिव्यू कराएंगे। सो हमको बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि इस गाड़ी की ये एक अनदर सक्सेसफुल मॉडल होगा हुरकान फैमिली में लेम्बोर्गिनी के लिए इंडिया में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, हमारे व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे अगर उनकी 3 वर्ड में अगर आप इस कार को डिफाइन करें, जो आपको मैं मौका दे रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आप हमारे दर्शकों को अगर सिर्फ 3 वर्ड में इस कार के बारे में बताना हो तो क्या बोलेंगे? सो 3 वर्ड में मैं इसको बोलूँगा, इट्स अ लाइफस्टाइल कार, फन टू ड्राइव कार एंड बेस्ट विद ड्राइविंग डायनेमिक्स। अच्छा, ये आपने अभी कहा कि 2023 में आप हाइब्रिड कार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि हाइब्रिड कार को लेकर कितना आप कॉन्फिडेंट हैं और क्या उसके लिए तैयारी चल रही है आपकी? सो लैम्बोर्गिनी के अंदर में हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि हम अपने कस्टमर्स के लिए ड्रीम कार्स बनाते हैं। तो जब भी हम कोई भी नया मॉडल बाज़ार में लॉन्च करते हैं तो हमारे कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो गाड़ी है जो प्रीवियस मॉडल है उससे ये बेहतर होगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस, ड्राइविंग डायनेमिक्स, इमोशंस। सो जब हम 2023 में अपनी हाइब्रिड की जर्नी स्टार्ट करेंगे जो कि V12 मॉडल से शुरू होगी, कम्प्लीटली न्यू कार होगी, एवेंटाडोर की फॉलोअर होगी, सो हम इसी लाइन में काम करेंगे कि किस तरह से हम अपने कस्टमर्स को एक बेटर मॉडल लेकर के आएँ जो कि प्रीवियस मॉडल से बेटर परफॉर्मेंस, बेटर एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड करें। और यही हमारी अप्रोच रहेगी जो हम फ्यूचर में 2024 में हम रूस हाइब्रिड को लॉन्च करेंगे या फिर एक नया V10
जो उराकान का फॉलोवर होगा वो भी एक कम्प्लीटली न्यू कार होगा। सो यही हमारा अप्रोच है और आने वाले टाइम पे हम लोग इसी अप्रोच के साथ में अपने कस्टमर्स के लिए जो एक ड्रीम लैम्बोर्गिनी वो लोग देखना चाहते हैं हम लोग वो पेश करें। 2028 में आप एक फुली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है, आपको नहीं लग रहा ये थोड़ा सा लेट हो रहा है या फिर अभी आप इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड नहीं हुआ शायद इसके लिए वेट कर रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सारी कंपनीज इस समय मैन्युफैक्चरर कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ तेज़ी से बढ़ रही हैं और पिछले कुछ समय में भारतीय ग्राहकों का रुझान भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, सेल्स बढ़ी है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें 2028 काफ़ी लेट हो जाएगा? सो जैसा मैंने कहा कि हम लोग जो भी गाड़ियाँ लॉन्च करते हैं हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि वो एक लैम्बोर्गिनी डीएनए से अलाइन होना चाहिए, वो कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मीट करना चाहिए। जब एक कस्टमर लैम्बोर्गिनी चलाता है एक्सपीरियंस करता है तो उसकी एक एक्सपेक्टेशंस होती है। सो जो इलेक्ट्रिक कार का टेक है उसके ऊपर में हमारा अप्रोच एकदम क्लियर है कि हम लोग पहले नहीं होना चाहते हैं, बट जब भी हम वो गाड़ी लॉन्च करेंगे हम लोग उसमें बेस्ट होना चाहते हैं। सो इलेक्ट्रिक स्पेस में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की स्पेस में टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी इवॉल्व कर रही है और लैम्बोर्गिनी उन सब टेक्नोलॉजीज़ को इवेल्युएट कर रहा है। सो जब हम 2028 के अंदर में पहली इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी लॉन्च करेंगे तो वी आर वेरी क्लियर कि वो गाड़ी एक बेस्ट लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, जो उनकी ड्रीम्स होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं लैम्बोर्गिनी को लेने के लिए, वो उसको मीट करना चाहिए। अच्छा, एक बस छोटा सा सवाल है, 2028 ही क्यों रखा है? मतलब ये कॉन्फिडेंट है कि इतने में आप अपने लॉन्च कर देंगे या फिर अभी एक टाइम है या इसमें भी आगे पीछे हो सकता है? 2028 ही क्यों? आज की डेट में ये हम टाइमलाइन टारगेट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन जो गाड़ी का एक डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, वेरियस एस्पेक्ट, प्लस जिस हिसाब से हमको असेसमेंट है कि किस तरह से टेक्नोलॉजीज मार्केट में इवॉल्व हो रही हैं, किस मकाम पे वो उस तक पहुँचेंगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसके अंदर में जाते हैं, जिसको जो हमको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ इस ये राइट टाइम लाइन है जिसमें हम ये गाड़ी को लॉन्च करें। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जब मैं इस पर स्टोरी कर रहा था तो कई लोग, जब ग्लोबली ये कार लॉन्च हो चुकी है तो कई लोग इस बात के लिए लेकर खुश थे कि इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है, हाइब्रिड इंजन नहीं मिल रहा, तो ये अभी भी उनके में डर है, चाहे जो कार के शौकीन लोग हों चाहे जो इनके लॉयल कस्टमर हों आपके, उनके में ये डर है कि हाइब्रिड के आने से शायद वो एक्सपीरियंस ना मिले जिसके लिए लैम्बोर्गिनी जानी जाती है, तो कितना आप कैसे उसको लेकर उनको कॉन्फिडेंट देंगे जो व्यूअर्स हैं, यूज़र्स हैं आपके, कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ के लिए जानी जाती है कंपनी, कार जानी जाती है, वो बना रहेगा? सो जैसा हमने बताया कि हमने अपना एक इलेक्ट्रिफिकेशन रोड मैप अनाउंस करा, जो अभी हमने बात भी करा, तो जब हम इस नए रोड मैप, नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक रियलिटी है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से, एमिशन की तरफ से, तो हमको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। लेकिन एक चीज़ हम लोग बहुत क्लियर हैं कि जब हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, लैम्बोर्गिनी अपने डीएनए के साथ में ट्रू रहेगा और जो भी नए मॉडल लॉन्च होंगे वो इस प्रमाइस पे लॉन्च होंगे कि वो जो कस्टमर की ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, हम उनको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो आई कैन से कि हम फ्यूचर में हाइब्रिड गाड़ियां लॉन्च करेंगे, लेकिन जैसा हम हमेशा करते आए हैं कि जो हमारी फ्यूचर मॉडल है वो प्रीवियस मॉडल से बेटर होती हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस में, ऐसा हमारी फ्यूचर गाड़ियों के साथ भी होगा। तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, और जो आपने अभी लॉन्च कर दिया है और इंतज़ार रहेगा लोगों को 2023 का, जब आप पहली अपनी हाइब्रिड कार को लेकर आएंगे, और देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है लोगों को सोशल मीडिया पर और भारतीय बाजार में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।